पेज इवेंट्स में आज अपन बात करेंगे डरबन सुपर जायंट्स वर्सेज एमआई केप टाउन के बीच होने वाले साउथ अफ्रीका T20 लीग के दूसरे मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कोनो को हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्पलेट, जिससे अपन लाखों रुपए के साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैचों को जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, साथ में पेसर को ज्यादा विकेट मिलेंगे स्पिनर, और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा जीएल के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। दोस्तों ये टूर्नामेंट आपके लिए नया, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इस मैच में खेलने वाले हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे इस मैच में, क्योंकि टूर्नामेंट की अभी शुरुआत है तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दूसरे मैच में विन करने की। पहला मैच इस टूर्नामेंट का अभिनंदन रहा था, लेकिन यह मैच बहुत ही शानदार रहने वाले। बहुत से ऐसे हाई परसेंट प्लेयर जिनका फॉर्म ठीक नहीं है, उनके चलने के चांसेस भी काफी कम है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा किंग्स मैट डरबन के मैदान पे, बहुत ही शानदार है मैदान, खूब रन बनते हैं वही डरबन का छोटा सा एक ग्राउंड है। यहां देखो साउथ अफ्रीका 190 पे 8, जिसको ऑस्ट्रेलिया की टीम चेज कर जाती है। 8 विकेट पेसर को मिलते हैं, 4 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। अभी रिसेंट में जो सीरीज हुई थी उसका ये मैच है। साउथ अफ्रीका 164 पे 8 और ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कोर को फिर से चेज करे, केवल 2 विकेट गवाकर 14 ओवर में स्कोर को चेज कर जाती है। 9 विकेट पेसर को मिलते हैं, 1 विकेट मिलता है स्पिनर को। ऑस्ट्रेलिया की टीम 226 पे 6, जिसको साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाती, 115 रन पे ऑल आउट हो जाते, क्योंकि काफी बड़ा स्कोर बन गया तो फिर चेज होना थोड़ा मुश्किल है। 11 विकेट पेसर को मिले, 5 विकेट मिले थे स्पिनर को। इसके अलावा जो टूर्नामेंट रहता है साउथ अफ्रीका T20 लीग, इसका जो लास्ट मैच है लास्ट सीजन का, वो अपन बात कर लेते हैं। एमआई केप टाउन ने 165 बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, जिसको डरबन सुपर जायंट्स, जिन दोनों टीमों का आज मैच है, इन्हीं का हेड टू हेड मैच है, तो लास्ट मैच डरबन सुपर जायंट्स ने जीता था, 169 बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। 8 विकेट पेसर को मिलते हैं, 2 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। तो काफी अच्छा मैदान रहने वाला, काफी अच्छी स्कोरिंग आपको स्टार्टिंग के मैचों में दिखे, क्योंकि पिच एकदम से फ्रेश मिलेगा इनको, एकदम से न्यू पिच मिलने वाला है, तो अच्छी बैटिंग यहाँ पे होने वाली है। साथ में विकेट देखो पेसर को ज्यादा मिलते हैं, बाकी स्पिनर्स भी विकेट निकाल लेते हैं, अच्छे स्पिनर है। इधर केशव महाराज अच्छे प्लेयर है, जो विकेट इस गेम में स्पिनर आपको आते हुए नजर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं डरबन सुपर जायंट्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। भाई क्विंटन डिको के साथ ओपनिंग करें काइल स्मायर, उसके बाद टोनी डी जॉर्जे, हेनरी क्लासन, निकलस पोरन, व्यान मल्डर, ड्वेन पिटोरियस, केशव महाराज, रिचर्ड गलर्सन, रियाल टोपली, रिच टोपली सॉरी, और जूनियर ढाला आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखो टीम चेंज ये कर सकती है, पहले मैच में अगर ये और किसी कॉम्बिनेशन की सोच रहे हैं तो टीम चेंज ये कर सकती है। देखो नवीन उल्लक नूर अहमद अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो भारत के अगेंस्ट अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा चेंज जे स्मिथ को टीम खिला सकती है, एम ब्रिटज के जो कि लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट क्या इस टीम के पार्ट थे, हमेशा खेल रहे थे, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले, चेंज होने वाले, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन करें। साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार टीम है भाई, टीम के कैप्टन है केशव महाराज, ठीक है। डरबन सुपर जायंट्स जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे क्विंटन डिको और काइल स्मायर। भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी दोनों ओपन करते हैं और यहाँ पे भी आपको दोनों ओपन करते हुए दिखाई देने वाला, तो बहुत ही तगड़ा मैच ये रहने वाला है। क्विंटन डिको को देखो आप 38-23, 0-23 और 20, इन दिनों कोई बड़ी पारी इसकी नहीं आई है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकता है। काइल स्मायर को देखो आप 61-35, 17-0 और 12। भाई हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर, आपको पता है बीच में कुछ मैच बहुत ही अच्छे खेल जाता है, लेकिन उसके बाद कई बार ये फ्लॉप भी होता है, आते हिट करने को देखता है। बाकी जो लास्ट टूर्नामेंट था ये साउथ अफ्रीका T20 लीग का, वो बहुत ही अच्छा रहा था काइल स्मायर के लिए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। टोनी डी जॉर्जी को देखो आप 11-28, 119 नॉट आउट, 81 और 28, तगड़ा प्लेयर है भाई, बहुत ही शानदार फॉर्म था इसका भारत के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के अंदर, अच्छी फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा। और क्विंटन डिको की जगह भी इसको इंटरनेशनल टीम में बन रही है, तो यहाँ पे ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करना चाहेगा। हेनरी क्लासन को देखो आप 10-47, इसके बाद 7-5-6-21, भाई इसका फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ टच था, ठीक है, इन दिनों जो मैच हुए उनमें, लेकिन प्लेयर बहुत ही कड़क प्लेयर है, खतरनाक तरीके से पिटाई करता है बॉलरों की, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, क्लासिक बैटर है, स्पिन पेस दोनों बहुत ही अच्छे से खेलता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। निकलस पोरन भी आ चुके हैं भाई, इसलिए बोल रहा हूँ ये भी आईपीएल के बाद दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी होगी जो काफी सक्सेस रहने वाली है
ठीक है, यहां देखो आप 13, 5, 82, 39 और 10, भाई तगड़ा प्लेयर, आपको पता है शानदार खेलता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, और अब डरबन सुपर जायंट्स के लिए बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है निकलस पुरन। अब देखो विकेट कीपर इनके पास तीन है, हेनरी क्लासन, निकलस पुरन और क्विंटन डिकॉक। चांस है तो क्विंटन डिकॉक ही कीपिंग करने वाला है। ठीक है, वियान मल्डर को देखो आप, 29 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 1 विकेट, भाई थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, कभी कभार विकेट भी निकाल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको विकेट ज्यादा दिख रहे होंगे, जो लास्ट सीजन था उसमें ये वन डाउन आ रहा था खेलने को, लेकिन इस सीजन काफी अच्छे अच्छे इनके पास प्लेयर है, तो वियान मल्डर को ऊपर बैटिंग करने का मौका शायद पहले मैच से नहीं मिलेगा। ड्यूएन पिटोरियस को देखो भाई, 15+0, 9 नॉट आउट, 0 विकेट, 15, 10 नॉट आउट, 1 विकेट, 1 विकेट, T10 खेल के आ रहा है अभी, अच्छे विकेट है, यहाँ इसको पूरे 4 ओवर मिलने, ओपन डेथ में अच्छी गेंदबाजी करता है, इंपोर्टेंट प्लेयर ड्यूएन पिटोरियस आपके लिए बन सकता है। केशव महाराज, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 2 विकेट 1 विकेट, भाई शानदार प्लेयर है, टीम का कैप्टन भी बनाया गया है केशव महाराज को, इंपोर्टेंट रहने वाला है। रिचर्ड गिलोसन को देखो आप, 3 विकेट 0 0 1 विकेट 0 विकेट, ये भी T10 खेल के आ रहा है, इंग्लैंड का ही प्लेयर है, शानदार प्लेयर रहने वाला है। रिश टोपले, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, भाई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज खेल के आ रहा, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी रिश टोपले ने। जूनियर डाला को देखो आप, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 2 विकेट 1 विकेट, इसने भी अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है डरबन सुपर जायंट्स की टीम। ठीक है, इसके अलावा देखो चेंज ये होते हैं तो देख लें, भानुका राजपक्षे ये बेंच पे रहेंगे, शायद टीम अभी मौका नहीं देगा, भाई कीमो बॉल को टीम खिला सकती है, लेकिन जो चांसेज है वो अभी पहले मैच से कीमो बॉल के थोड़े से कम बन रहे हैं। ठीक है भाई, कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, यहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो प्लेयर्स के रिकॉर्ड। ठीक है, नवीन उलक नूर अहमद के नहीं खेलेंगे। ठीक है, MI केप टाउन की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, ड्यूएल ब्रेविस के साथ ओपनिंग करेंगे रिक क्लेंटन, उसके बाद राशि वेंडे, ड्यूसन, किरण पोलार्ड, सैम करन लिविंगस्टन, जॉर्ज लिंडे, डी जैनसन, माइक्रो एनसन का भाई है भाई है, बी हेंड्रिक्स, कगिशो रबाडा और नुआन तिसारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। भाई तगड़ी टीम नजर आ रही है भाई MI की। ठीक है, MI केप टाउन है, यहाँ पे IPL में MI की टीम है, बहुत ही तगड़ी टीम है। ठीक है, इसके अलावा टॉम बेंटन खेल सकते हैं, देखो विकेट कीपर वाले सेशन से, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। बाकी ओली स्टोन अभी बिग बैश में थे, अगर यहाँ उपलब्ध हो गए तो ओली स्टोन को शायद नुआन तिसारा से पहले मौका मिल जाए। ठीक है, यहाँ देखो आप ड्वेल ब्रेविस, बेबी एबी डिविलियर्स MI में है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है भाई, 116, 24, 31 नॉट आउट, उसके बाद 0-1, इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है आपके लिए, काफी अच्छी हिटिंग करके खेल लेता है। रिक्लेंटन को देखो आप, रिचर्ड रिक्लेंटन, 50, 36, 52, 41 नॉट आउट। अब इस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज आपको दिखेगा 10%, इसलिए बोल रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली, वीडियो को पूरा देखोगे समझोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टार्टिंग के मैचों में बहुत ही अच्छा विन करने, क्योंकि स्टार्टिंग के मैचों में तो कई लोग तो जिनको प्लेयर्स का भी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन आप अगर वीडियो को ध्यान से समझ लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा प्लेयर पहले ही मैच से अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। अब रिक्लेंटन देखो लास्ट सीजन भी ओपन किया था, अच्छी बैटिंग की, तो टीम शायद इसी के साथ कंटिन्यू करेगी, अच्छा प्लेयर है, साउथ अफ्रीका की लीग गया तो साउथ अफ्रीका के 7 प्लेयर तो खेलने ही खेलने, 4 प्लेयर ही अदर कंट्री के खेलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राशि वेंडे, ड्यूसन, 13, 56 नॉट आउट, 6-0, 36-2, तगड़ा प्लेयर भाई, 56 नॉट आउट किया था 36, लेकिन रिसेंट में इसके इतने अच्छे रिकॉर्ड रहे नहीं, कई बार जल्दी आउट हो जाता है। किरण पोलार्ड भाई टीम का कैप्टन है, 8 नॉट आउट 9 नॉट आउट 14 9 22 नॉट आउट, T10 खेल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़े और अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम रख रही है। ठीक है, सैम करन को देखो आप, 13+0 50 रन 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 12 रन प्लस 1 विकेट, लास्ट टाइम सैम करन वन डाउन खेल रहा था, तो हो सकता है टीम फिर से इसको प्रमोट करे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिविंगस्टन को देखो आप, 27+0 17 30 रन प्लस 0 54 नॉट आउट 28, ये शानदार प्लेयर है, शानदार लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों गेंदबाजी करता है, इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है लियाम लिविंगस्टन आपके लिए। जॉर्ज लिंडे को देखो आप, 11 2 विकेट 0 88 2 विकेट 55 1 विकेट 37 1 विकेट, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग करेगा शायद पावर प्ले में बॉलिंग डालने आने के इसके चांस है लास्ट सीजन की तरह, अच्छा प्लेयर है, इंपोर्टेंट रहेगा सिलेक्शन, काफी डीप आपको स्टार्टिंग के मैचों में नजर आएगा। डी जैनसन, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, भाई माइक्रो एनसन का भाई है, अच्छी बॉलिंग करता है, इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। बी हेंड्रिक्स को देखो आप, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये भारतीय टीम के अगेंस्ट ओडीआई में निकाला था, आपको पता है जो सीरीज हुई थी अभी रिसेंट में, इंपोर्टेंट बॉलर बन सकता है। कगिशो रबाडा को देखो, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट,
रबाडा ने भी अच्छे विकेट निकाले, सब जानते हो रबाडा काफी परिचित बॉलर है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग करता है, हमेशा से एक आध विकेट तो इसको मिलते ही मिलते हैं। नुआन तिसारा भाई बहुत ही तगड़ी पिक बन सकता है इस मैच में आपके लिए, एमआई कप टाउन की तरफ से नुआन तिसारा, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0। गेंदबाज अच्छा है, ओपन डेथ का बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, एलपीएल में भी अपन ने देखा था काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था नुआन तिसारा, तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है, श्रीलंका का यह पेस बॉलर। इसके अलावा देखो टेम टी बैंटन और सी बेंजामिन ओलिस्टोन, इनमें से किसी प्लेयर के खेलने के थोड़े से मेरे को कम चांस लग रहे हैं, अगर टीम टी बेंटन के साथ जाती है तो फिर उनको एक बॉलर कम करके एक साउथ अफ्रीका का एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ से इनको टीम में खिलाना होगा या किसी बैटर को। देखो राशिद खान, जोफ्रा आर्चर पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। डी पोर्ट गीटर भाई, ये लास्ट टाइम खेला था इनकी प्लेइंग 11 में, तो हो सकता है टीम शायद इसके साथ कंटिन्यू करे, फिर किस प्लेयर को बाहर बिठाए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े स्टार प्लेयर अपनी टीम में रख लिए हैं, तो उनको शायद सारे प्लेयर्स को बाहर बिठाना इनके लिए मुश्किल रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी लास्ट सीजन, तो कौन से प्लेयर ने परफॉर्मेंस की थी। यहां देखो भाई एम आई केप टाउन की तरफ से आपको दिखेगा रोलो फेशन, फेशन 52, ठीक है, जॉर्ज लिंडे 33 रन, 1 विकेट। डी पॉट गीटर 25 रन बना रहा है, ओली स्टोन 4 विकेट निकाला, ओली स्टोन खेलता है देख लेना भाई, अच्छा प्लेयर है। रिपीट में आपको शायद डी पोगिटर दिखेगा, 33 रन है। इसके अलावा राशि वेंडे डुसन 43, कगिसो रबाडा और डी यंसन 1 विकेट निकाल रहा है, तो ये कुछ प्लेयर है जो एम आई केपटाउन की तरफ से दोनों मैचों में परफॉर्मेंस किए थे। इसके अलावा डरबन सुपर जायंट्स की अपन बात करें तो हेनरिक क्लासन ने 36 रन बनाए थे एक मैच में, काइल्स मायर 34 रन, 1 विकेट। वियान मल्डर स्टोपले 2 विकेट निकाल रहा है, सुब्रियान लेग ब्रेक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, खेलता है तो देख लेना आप, अच्छे विकेट निकाले। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 63 बनाए थे, ठीक है। मैथ्यू बिर्थजगे 48 नॉट आउट, कीमो पोल 31, ड्वेन पिटोरियस 2 विकेट, मल्डर 1 विकेट और केशव महाराज ने भी 1 विकेट निकाला था। तो भाई मल्डर ने दोनों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिया, सिलेक्शन परसेंटेज आपको काफी कम दिखेगा, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों जानता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। बाकी इसके अलावा क्विंटन डिकॉक अच्छा प्लेयर आपके लिए, हेनरिक क्लासन, ये कुछ प्लेयर है जो हेड टू हेड में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ड्वेन पिटोरियस अच्छी पिक आपके लिए बन सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं इस मैच के लिए जो मेगा ग्रैंड के लिए आपके लिए बेहतरीन पिक रहने वाले हैं, जिन प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज आपको काफी कम दिखेगा, लेकिन वो पहले में ही मैच से आपको काफी अच्छा विन करवाएंगे, ड्रीम टीम के मेंबर बनने वाले हैं, ठीक है। आपने यहां अगर वीडियो को सही से समझ लिया, ध्यान से समझ लिया कि कौन से आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पिक करना है और हाई परसेंट प्लेयर को किस प्रकार से आपको उनकी जगह रिस्क लेना है, सीवीसी किसे रखना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देखो भाई एम आई केप टाउन की तरफ से नुआन तिसारा, आर रिक्लेंटन और बी हेंड्रिक्स, तीनों ही प्लेयर शानदार है। अब लेकिन ट्राई किस प्रकार करोगे, देखो ये अच्छा कीपर है, प्लस बैटिंग भी लास्ट टाइम बहुत अच्छी की थी। इसके अलावा बी हेंड्रिक्स नुआन तिसारा में से आपको एक बॉलर या फिर ये पहले बॉलिंग करते तो आप दोनों बॉलर्स को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेज ठीक ठाक हुए हैं मैचों में, तो ये देखते हो आप इनके लिए ये बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा अगर एम आई केपटाउन पहले बॉलिंग करेगी तो। बाकी एक बॉलर तो इनमें से आना है ड्रीम टीम का मेंबर, उसके बाद आप टिकलेंटन को ले सकते हो, अच्छी बैटिंग इसने की थी। रिचर्ड गैलेसन, टीडे जॉर्जी और केशव महाराज, भाई केशव महाराज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिच कैसे भी हो एक आध विकेट इसको मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी बॉल फास्ट में रिचर्ड गैलेसन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छी गेंदबाजी करता है डेथ में भी, और टोनी डी जॉर्जे भाई तगड़ा फॉर्म था बंदे का, वन डाउन खेलेगा शायद तक बाकी, और शायद टीम शायद ओपन करवा दे तो फिर किसके साथ जाएगी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वन डाउन खेलने के चांस ज्यादा लग रहे हैं टीडी जॉर्जी भाई, तगड़ा गेंद बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की थी भारतीय टीम के अगेंस्ट में, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, ठीक है। यहां से आपको दो या तीन प्लेयर, मैं बता रहा हूँ आपको तीन प्लेयर लगभग इस मैच में आपको कंफर्म यहाँ से ड्रीम टीम के मेंबर बन जाएंगे, जिस कंडीशन के हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आपको इन प्लेयर्स को ट्राई करना है। यहाँ देखो भाई प्लेयर्स को किस प्रकार से आपको लेना है, भाई क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन, रिक्लेंटन को मैंने लिया है, निकलस पूरन और हेनरिक क्लासन को लिया है, केरन पोलार्ड, टी डी जॉर्जे, राशि वेंडर ड्यूसन, काइल्स मायर और ड्यूअल ब्रेविस, भाई डिफरेंसली मैंने प्लेयर्स को ट्राई किया है, ड्वेन पिटोरियस, सैम करन, ड्वेन पिटोरियस और लियाम लिविंगस्टन को मैंने लिया है, कगिसो रबाडा, रिस्टोपले, केशव महाराज, रिचर्ड गैलेसन, कगिसो रबाडा, रिस्टोपले, केशव महाराज, नुआन तिसारा, तो अलग अलग प्लेयर्स आपको ट्राई करने होंगे, काफी अच्छे आपके विन करने के चांसेस रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको बताऊं तो कैप्टन के लिए आपके लिए इस मैच में बहुत ही शानदार पिक बन सकता है क्विंटन डिकॉक, अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बात करो तो टोनी डी जॉर्जे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बन सकता है, और बात करें अपन
एमआई केप टाउन की, एमआई केप टाउन की तरफ से फिर आप ले सकते हो रासी वेंडे ड्यूसन या ड्यूएल ब्रेविस जो बड़ी पारी खेल सकता है। बाकी लिविंगस्टन सेमकरन अच्छे ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सेफ ऑप्शन है। ठीक है, बाकी देखो जीएल में अगर आपको विन करना है तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।